नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ पूजा। उत्तराखंड सरकार और कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने इस साल शुरू होने वाले पर्यटक सीजन में मूल्य वृद्धि करने का फैसला लिया है, जिसके बाद सरकार और विभाग के फैसले के खिलाफ पर्यटक कारोबारी का रोष बढ़ने लगा है। आपको बता दें, इसी क्रम में बुधवार को कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन और गाइड एसोसिएशन की हुई संयुक्त बैठक में मौजूद कई लोगों की शुल्क वृद्धि का विरोध करते हुए ऐलान किया गया कि अगर सरकार और विभाग ने इस वृद्धि को वापस नहीं लिया तो 15 नवंबर से सभी पर्यटन कारोबारी पर्यटन गतिविधियों का बहिष्कार करेंगे। साथ ही कॉर्बेट पार्क ठिकाला जोन 15 नवंबर को पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा और सरकार और विभाग ने नाइट स्टे और डे सफारी में शुल्क वृद्धि की है। वहीं जिप्सी एसोसिएशन के गिरीश धस्माना ने बताया कि शुल्क वृद्धि वापस करने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार बताया गया है, लेकिन उसकी मांग को अनसुना लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शुल्क वृद्धि को लेकर जहां एक और पर्यटन और उसका असर पर्यटक पर पड़ेगा, तो वहीं शुल्क वृद्धि के कारण भ्रमण पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इसका असर पड़ेगा। वहीं उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य मयंक तिवारी ने भी इस मामले में वार्ता कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के शुल्क में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर दी है। किसी किसी शुल्क में तो इन्होंने 400%, 300%, 250% वृद्धि की है, जिसके अगेंस्ट हम लोग आज दिनांक 8 नवंबर को सरकार के कॉर्बेट के दिवसीय भ्रमण रात्रि विश्राम के शुल्क वृद्धि के कारण सभी हितधारकों में आज बैठक हुई और साथ ही साथ बड़ा रोष व्याप्त है। आज बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधि और सभी जिप्सी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन शामिल हुए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार बढ़ा हुआ शुल्क वापस नहीं लेती है तो सभी हितकारक 15 नवंबर से सर्वसम्मति से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें कि जिप्सियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। आज माननीय विधायक जी से भी हम शाम तक मीटिंग करेंगे, उनके भी वक्तव्य लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। वैसे हम ऑलरेडी उनको बता चुके हैं कि इसमें शुल्क वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई है, अब देखें शाम तक क्या निर्णय होता है। वैसे हमारा सर्वसम्मति से निर्णय है कि 15 नवंबर से हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे। होटल एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन, जन प्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधि, सभी लोग इसमें शामिल हैं पूर्ण रूप से। नेचर गाइडों का भी हम लोगों को समर्थन है और जो ये शुल्क वृद्धि जो हुई है, इससे हम लोगों में काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान। ये चीज़ें हमने पहले भी मौखिक वार्ता में कह रखा है डायरेक्टर महोदय जी से और हमने अपने जिप्सी एसोसिएशन के लेटर पैड में, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो एक टाइम मेरे को गाइड एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि आज उन्होंने ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में शुल्क वृद्धि के विषय में एक बैठक रखी है, आपको उसमें सम्मिलित होना है। मैंने इनके द्वारा जो इनकी मांगे हैं उनको भली भांति सुन लिया है और इस पर माननीय विधायक जी से इन्होंने समय मांगा है। मैं भी माननीय विधायक जी के साथ इनके साथी मन के पास जाऊंगा और निश्चित रूप में मुझे ऐसा है कि पर्यटन हमारे प्रदेश का ही मूल आय का स्रोत है और निश्चित रूप में कहीं ना कहीं पर इस पर सार्थक निर्णय निकल के आएगा। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि चीज़ों में कई बार विरोधाभास भी हो जाता है, तो निश्चित रूप में मेरे को आशा है कि इसका समाधान अवश्य निकल के आएगा। माननीय विधायक जी से वार्ता करके, माननीय विधायक जी के साथ चल के इसमें जरूर हम इसका समाधान का हल निकालेंगे। तो आप मानते हैं कि जो सरकार ने वृद्धि की है सही की है गलत की है? नहीं, ये मानना ना मानना मेरे हाथ में नहीं है। सरकार की क्या नीति है, सरकार ने किसके तहत इसको विभाग ने किया है, ये निर्णय सरकार का है और विभाग का है और उस पर अगर कहीं पर कुछ ऊपर नीचे वाली बात है तो उस पर विचार करके उस पर संशोधन भी चीज़ें बनती हैं, उस पर संशोधन भी हो जाता है, संशोधित करने का प्रयास किया जाएगा और निश्चित रूप में कुछ ना कुछ इसका निर्णय आएगा। उत्तराखंड सरकार और कॉर्बेट नेशनल पार्क के अधिकारियों द्वारा इस वर्ष से शुरू हो रहे पर्यटन सीजन में
कॉर्बेट पार्क के विभिन्न जोनों में पर्यटकों के भ्रमण के नाइट स्टे और डे सफारी के शुल्क में जो वृद्धि की गई है उसको लेकर लगातार अब विरोध शुरू हो गया। बुधवार को कॉर्बेट वेलफेयर जिप्सी एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन की संयुक्त एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें सभी पर्यटन कारोबारियों ने सरकार और विभाग के इस फैसले का विरोध करते हुए बढ़ाई गई शुल्क वृद्धि को शीघ्र वापस लेने की मांग की है। और उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगों को अनसुना किया गया और इस मूल्य वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो 15 नवंबर से, जबकि 15 नवंबर को कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला जाएगा, पार्क का ढिकाला जोन पर्यटकों के भ्रमण के लिए खोला जाएगा, तो 15 नवंबर से इन सभी पर्यटन कारोबारियों ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब तक शुल्क वृद्धि वापस नहीं होती है तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा शुल्क वृद्धि से जहां एक और पर्यटन के कारोबार पर असर पड़ेगा तो वहीं पर्यटक भी इस वृद्धि को लेकर यहाँ कम रुख करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से अपना निर्णय वापस लेने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजेएन। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।